ईद का दूसरा रोज भी सादगी के साथ मनाया जा रहा है। पिकनिक पॉइंट्स और फूड कॉर्नर्स बंद, शहरी घरों तक महदूद। घर पर ही कौरमा, शीरकुरमा और चाट के मजे। ईद पर घर से बाहर नहीं निकल सकते, बच्चों का शिकवा। सभी घरों पर अपने रिश्तेदारों के साथ ईद की खुशियां मना रहे हैं, तो स्पेशल अफराद भी हैं जो हमारे खुसूसी तवज्जो और प्यार के मुंतजर हैं। सच टीवी की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। खुशियां मनाएं, लेकिन इस बार कोरोना के खिलाफ हिफाजती कदमात को भी मद्देनजर रखें। सामाजिक फासले बरकरार रहे, हाथ और गले मिलने से भी गुरेज करें। कराची में भिखारी माफिया आवाम के लिए दर्द सर। आवाम ना चाहते हुए भी ट्रैफिक सिग्नल्स और दीगर मकामात पर खड़े मंगतों को सदका खैरात देने पर मजबूर। भिखारी भी ऐसे हैं कि जान ही नहीं छोड़ते, कहीं आना जाना दुश्वार होकर रह गया। ईद उल फित्र हो या कोई और त्यौहार, इस्लामाबाद पुलिस के जवान अपनों से दूर शहर का अमनो अमान बरकरार रखने के लिए चेक पोस्टों और नाकों पर फ्राई सर अंजाम देने में मसरूफ। बिहाड़ी में ईद के दूसरे रोज शहरियों ने दरियाए सुतलज हेड इस्लाम का रुख कर लिया। कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इकदामात नजरअंदाज। शहरी दरियाई मछली खाकर और दरिया की सैर करके खूब हल्ला गुला करने में मसरूफ। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी का जोर। दादू और नवाबशाह में दर्जा हरारत 48 तक जाने का इम्कान। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी सूरज की तेवड़ियां। अटक की तहसील फतेहजंग में दो नौजवान नहाते हुए डूबकर जान बहक। रेस्क्यू हुकाम ने लाशें निकालकर वर्सा के सुपुर्द कर दी। बिहाड़ी के नवाही कस्बे में दरिया सुतलज का बंध टूट गया। सैकड़ों एकड़ कस्बे पर खड़ी फसलें जेरे आब आ गईं। तयारा सास कंपनी एयरबस की टीम आज कराची पहुंचेगी। टीम तयारा हादसे की जगह पर तहकीकात करेगी। तयारा सास कंपनी की इंतजामिया तहकीकात में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और एयर फ्रांस को भरपूर तकनीकी मुआवजा फराहम करेगी। पीआईए तयारा हादसे में जान बहक 97 मुसाफिरों में से 34 की शनाख्त हो गई। मैयत लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गयी। हादसे के मकाम पर इमदादी सरगर्मियां और मलबा हटाने का काम जारी। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 54,601 हो गई। 1,113 अफराद वायरस से जान बहक हो चुके। 24 घंटे मजीद 2,164 केसेस रिपोर्ट। इस वक्त जो कौम के हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं, इस हालात में खसूसी तौर पे जो सच टीवी ने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा इकदाम है सच टीवी का, और इसी चीज़ की कमी थी कि हम अपना पाकिस्तान के लिए अपना कंट्रीब्यूशन डालें। सच की जानिब से एक नेकी की टोकरी के नाम से मुहिम शुरू की गई है, और ये एक बहुत ही बेहतरीन काविश है। गरीब का भरम बरकरार रहे, पेट की आग भी बुझ जाए। सच टीवी की काविश नेकी की टोकरी, मुख्तलिफ अफराद की जानिब से कोशिश को सराहा जा रहा है। अठारह में बनने वाला लाहौर के जनरल पोस्ट ऑफिस का एक एक हिस्सा बनाने वालों की महारत की रुदात आज तक सुनाता है। अजीम इमारत मलका बरतानिया की 50वीं सालगिरह के मौके पर तामीर कराई गई थी। बिहाड़ी के नवाही इलाकों रट्टा टिब्बा, कोच गुलाम कादिर, पुट गुलाम और दीगर इलाकों में टिड्डी दल की अलगार फसलों को तबाह कर दिया। किसान और अहले इलाका परेशान, सर पीट कर रह गए। महकमे ज़राअत के अफसरान दो मशीनों के साथ तसल्ली देने में मसरूफ। मकबूजा वादी के निहत्ते मजलूम कश्मीरियों पर मजालिम जारी। काबिज भारतीय फोर्सेज ने कुलगाम में मुहासरे और घर घर तलाशी के दौरान दो नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। सऊदी हुकाम दहशतगर्दी के खात्मे पर एक शहरी से सख्त नाराज हो गए। आला सऊदी अहलकार एक शहरी के अहल खाना को
इंतकाम का निशाना बनाने लगे। चीन ने दुनिया का पहला लोडिंग इलेक्ट्रिक ट्रक बना लिया। ट्रक की आजमाइश मुकम्मल होने के बाद काम शुरू कर दिया गया। आम ट्रक की तरह वजन उठाकर मंजिल तक पहुंचाने की सलाहियत। Are a great double act. Telepathic, some say. Well, look at this. As their intercom broke, Scott had to describe the road to Craig with hand signals. और कार रैली में ड्राइवर को मदद फराहम करने वाले मुआविन ड्राइवर्स की टॉप 10 वीडियोस रिलीज कर दी गई। कैमरे की आंख में फिल्म बंद दिलचस्प लम्हात सच टीवी के नाज़रीन के लिए।